यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पूरे हिमाचल में बीती रात से बारिश हो रही है, जहां लोगों को बारिश से गर्मी से राहत मिली है तो कहीं बारिश आफत बनकर भी आई है। प्रदेश के कई हिस्सों में बादल भी फटे हैं। वहीं अगर बात नालागढ़ की करें तो यहां भी बीती देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को भारी गर्मी से राहत मिली है, तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बारिश की वजह से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो बीते कल से हिमाचल में जगह जगह बारिश हो रही है, मौसम ने करवट ले ली है और गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिला है। बात अगर नालागढ़ की करें तो नालागढ़ में भी बीती रात से बूंदाबांदी हो रही है और मौसम जो है वो खुशनुमा हो गया है। मौसम ने करवट ले ली है, अपना मिजाज बदल दिया है मौसम ने, गर्मी से राहत मिली है लोगों को। तो आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से गर्मी का पारा लगातार चढ़ता जा रहा था, पारा 44 से 45 के पार कर गया था और इसी को लेकर के अब मौसम ने करवट ली है। तो बीती रात से नालागढ़ में बूंदाबांदी हो रही है और बूंदाबांदी होने की वजह से मौसम खुल गया है और यहां पर लोगों के चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कान आई है और किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। तो ये बारिश राहत बनकर आई है लोगों के लिए और प्रदेश में देर रात से बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। तो नालागढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीती रात से बूंदाबांदी हो रही है, मौसम ने करवट ली है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जेबी सिंह हमारे संवाददाता नालागढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेबी सिंह, इस वक्त नालागढ़ में कैसा माहौल है, कैसा मौसम बना हुआ है? जी, मैं बताना चाहता हूँ, नालागढ़ बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में बीती रात से ही काफी, मतलब 1:30 बजे से बारिश शुरू हो चुकी थी रात को। काफी ज्यादा बारिश यहाँ पे हो रही थी रात को, अभी रुक रुक के हो रही है, थोड़ी लग रही है, बीच में बंद हो रही है। लेकिन ये जो बारिश हुई है, जिससे एक तो जो मौसम में है काफी गिरावट आई है, तापमान में काफी गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई है, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर भारी गर्मी से बहुत ज्यादा राहत लोगों को यहाँ पे मिली है। जो ये बारिश है, ये जैसे कि किसानों की अभी बिजाई वगैरह इन्होंने करनी है आज अपनी खेती के लिए, गेहूं अपना मक्की की फसल की यहाँ पर गेहूं बिजाई होनी है और जो धान की फसल है वो यहाँ पे बोई जानी है, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, उसके लिए ये बारिश जो हो रही है काफी लाभदायक सिद्ध होगी। वो आने वाले समय में जो किसानों की बुवाई है, टाइमली अगर उनकी बुवाई हो जाएगी तो उनको भी एक अच्छी आर्थिक तौर पर इसकी मदद मिल सकती है। जो ये बारिश हुई है, जिससे आम जनजीवन, आम लोगों को बहुत ज्यादा इस बारिश का फायदा मिला है, जिसके कारण जो भारी गर्मी यहाँ पर निचले क्षेत्रों में पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी थी, 44-45 के आसपास यहाँ पे पारा पहुंच चुका था, लोग घरों से निकलना मुश्किल हो चुका था। दोपहर में, दिन में करीबन 7-8 बजे ही दोपहर हो जाती थी, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना, निकलना बहुत परेशानी हो रही थी लोगों को गर्मी के कारण। लेकिन ये जो बारिश है, सभी लोगों के लिए, आम जनता के लिए एक अच्छी, बिल्कुल, ये जो बारिश है राहत बनकर आई है लोगों के लिए। जेबी सिंह, इसी के साथ पिछले 2 दिनों से हवा में धूल के कण भी दिखाई दे रहे थे, तो इससे भी लोगों को राहत मिली होगी कहीं ना कहीं? जी, जिस तरह से हवा में धूल आ रही थी, मिट्टी में ज्यादा 500 मीटर से ज्यादा अगर कहीं ने सफर भी करना है हिमाचल में, नालागढ़ में, बद्दी बरोटी वाला में, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, काफी मात्रा में धूल मिट्टी यहाँ पर उड़ रही थी, उससे भी लोगों को इस बारिश के कारण निजात मिली है। मौसम अभी साफ हो चुका है, हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, लोगों को यहाँ पर राहत, काफी राहत इस बारिश के कारण मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया जेबी सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बीती रात से बारिश आ रही है, मौसम कहीं ना कहीं खुल गया है, क्योंकि एक घुटन भरा माहौल हो गया था धूल में, हवा में धूल के कण होने के कारण, और यहाँ पर यातायात व्यवस्था भी कहीं ना कहीं चरमरा गई थी और कम विजिबिलिटी के कारण यातायात की व्यवस्था चरमरा गई थी। तो अब देर रात से बारिश हो रही है, मौसम खुल गया है।